जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लिखते पढ़ते। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सेवेंथ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं, है ना। यूनिट टू है, चैप्टर सेकंड है। चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की बुक है और बहुत अच्छा तरीका है इनका कुछ भी समझाने का। बहुत अच्छे तरीके से ये कोई भी टॉपिक को बहुत स्मूथली आपके दिमाग तक बिठा देते हैं, बसरते आप इसको अच्छे से पढ़ लें। बात करते हैं इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की। तो फ्रेंड्स, स्कूल एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है चैप्टर हमारे दिमाग में रिगार्डिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, ठीक है। दूसरी बात, स्कूल के अलावा यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट बोर्ड के सिविल सर्विसेज की कोई तैयारी कर रहा है या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉरी। और इस टॉपिक से आप डायरेक्टली डीपीएसपीज को रिलेट कर सकते हैं, है ना, रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसका मतलब उससे हम इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करिए, सो दैट यूट्यूब ये ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है हेल्थ सेक्टर की, है ना, इस चैप्टर में। तो एक डेमोक्रेसी है, कोई भी स्टेट जो डेमोक्रेटिक स्टेट है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे लोगों की क्या उम्मीद रहती है सरकार से, कि सरकार उनके वेलफेयर के काम करेगी, है ना। वेलफेयर के काम कैसे, कि एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में रोजगार देगी, घर देगी, रोड्स डेवलपमेंट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन, इन सब चीज़ों के नहीं, इनसे इनमें से सिर्फ एक हेल्थ के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हेल्थ होती क्या है, है ना। जब हेल्थ शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना। तो हेल्थ के बारे में हम कई तरीकों से सोच सकते हैं, है ना। हेल्थ मतलब कि देखो, बेसिक एग्जाम, बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गई कि एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, है ना। मतलब कि अगर हेल्थ की बात आई तो सबसे पहले क्या हो गया कि रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस, हमको कोई बीमारी नहीं हो, हमको कोई चोट नहीं लगी हो, है ना। बट अगर हम इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझें, है ना, तो आप समझिए, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी है, घर के आसपास पानी जमा हो रखा है, तो वो भी एक हेल्थ का इश्यू है, है ना। आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर का अगर एयर वहाँ की पॉल्यूटेड है, वो भी एक हेल्थ का इशू है, है ना। इसके अलावा अगर आपके घरों तक साफ सुथरा पीने का पानी नहीं आ रहा है, तो वो भी हेल्थ का इशू है, है ना। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से कि वो हमारी बेसिक नीड्स को एटलीस्ट फुलफिल करें, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमने बात की कि हेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड हैं, है ना। मतलब ये जो भी सिचुएशन हमने डिस्कस करी, पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी है, मोहल्ले में गंदगी है, हवा में पॉल्यूशन है, तो ये सारे कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड हैं, है ना। और अगर मान लीजिए कि एक और इसका पैरीमीटर होता है ना, एक और इसका पार्ट है कि सपोज कोई ऐसा तबका है जिसको सही से खाना नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वो भी इट विल लीड टू इलनेस, है ना, किसी न किसी तरीके की बीमारियां इससे होंगी, तो वो भी अल्टीमेटली हेल्थ का ही पार्ट है, है ना। अब बात ये आ रही है कि एक पार्ट जिसको हम हेल्थ से कभी रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, जैसे हमारा देश है, जिसकी बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, है ना। अगर आपके दिमाग में तनाव है, किसी चीज़ से आप एंग्जियस हो रखे हो या किसी चीज़ से डरे हुए हो, और बहुत लंबे स्ट्रेच ऑफ टाइम के लिए अगर ऐसा हो रहा है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ का इशू है। इसको जल्दी से, मतलब इसको यूजुअली कोई एड्रेस नहीं करता है, ठीक है। अब हम कुछ एस्पेक्ट अपने इंडिया के अंदर हेल्थ केयर के कंपेयर करते हैं, जिससे आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक्चुअली इंडिया के अंदर सिचुएशन है कैसी, है ना, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, दोनों पैरामीटर्स में। दोनों पैरामीटर क्या हैं, हम आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम की हेडिंग्स नहीं है, है ना, ये आपको खुद हेडिंग इसमें बना के भरनी है, जो आपको लगे कि इसमें क्या हेडिंग हो सकती है। तो हम पहले कॉलम, ये राइट वाले कॉलम की हम बात, लेफ्ट वाले कॉलम की हम बात कर रहे हैं। तो
इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स. अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. तो इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं वर्ल्ड में, है ना, और हर साल 30,000 डॉक्टर्स इंडिया से क्वालिफाई होते हैं, मतलब 30,000 डॉक्टर बनते हैं इंडिया के अंदर. अब इसी के कंट्रास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन है बाजू में कि मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. उनमें से मोस्टली डॉक्टर्स कहाँ सेटल हो जाते हैं? अर्बन एरियाज में, सिटी में, है ना, कस्बों में, शहरों में. पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. गाँव के लोगों को या रूरल जो भी एरिया है वहाँ पे, वहाँ के लोगों को एक अच्छे डॉक्टर के पास तक जाने के लिए एक ठीक ठाक दूरी उनको तय करनी पड़ती है. द नंबर ऑफ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया. मान लीजिए एक गाँव में 5,000 की आबादी है, तो पता चला उन 5,000 की आबादी के लिए मात्र एक या दो डॉक्टर हो सकता है. तो ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन के रेशियो में डॉक्टर्स की आबादी बहुत कम है रूरल एरिया में. ठीक है, फिर हम आते हैं अपने ब्राइटर कॉलम की तरफ. हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंसली ओवर द ईयर्स. पिछले कुछ सालों में हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है हमारे देश में. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1950 में, 1950, देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. ठीक है, 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे. कब? 1950 में. उसके बाद 1991 में ये काउंट 2,700 से बढ़ के 11,174 हो गई. ठीक है, और 1991 से 2017 तक में 23,583 हो गई, है ना. मतलब हमने ठीक ठाक डेवलपमेंट करी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के फील्ड में, है ना. 2017 में बस टोटल कितने 23,583 हॉस्पिटल्स हैं. अब इसका कंट्रास्ट देखते हैं कि अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर. ठीक है, टीबी से 5 लाख लोग आज भी देश में हर साल डेथ हो रही है उनकी. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. और आप समझिए फ्रेंड्स कि आज़ादी के समय भी लगभग 5 लाख लोग ही खत्म हो रहे थे टीबी से, आज भी ऑलमोस्ट वही रेशियो है. तो एक तरफ तो हमने इतने सारे हॉस्पिटल्स बना लिए, है ना, बट सिचुएशन अभी ज्यों की त्यों है. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग. ठीक है, मतलब हर साल मलेरिया के 2 मिलियन केसेस आ रहे हैं और ये नंबर अभी भी घट नहीं रहा है. अब हम इस कॉलम की तरफ देखते हैं. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो मेडिकल टूरिज्म के बारे में फ्रेंड्स आपको पता है, मेडिकल टूरिज्म मतलब कि दूसरे देशों से लोग इंडिया आते हैं अपना स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट करवाने. इंडिया क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया में उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, है ना, और हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम वर्ल्ड मतलब टॉप नेशन से कम्पीट करते हैं उसमें, है ना. तो यहाँ से क्या हमको कौन सी इमेज समझ आ रही है अपने कंट्री की कि हमारे पास इतना डेवलप्ड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोग बाहर देशों से हमारे देश में आ रहे हैं सिर्फ उस चीज़ का इलाज करवाने के लिए. अब हम इसका कॉन्ट्रास्ट समझते देखते हैं. वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर वाटर बॉर्न. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम, आप समझिए कि सबको साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं. मतलब आप कंट्रास्ट देख रहे हैं, नया इंडिया या पुराना इंडिया, है ना. तो एक तरफ हम मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना, दुनिया भर से लोग हमारे देश में आ रहे हैं इलाज करवाने, और हमारे देश की पॉपुलेशन कुछ है जिसको अभी भी साफ पानी नहीं मिल रहा है. और ऑलमोस्ट 21% जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं वो पानी के, गंदे पानी के कारण जन्म लेती हैं, जैसे डायरिया हो गया, वॉर्म्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गए. ये बहुत ही कम्युनिकेबल डिसीजेज और सिर्फ गंदे पानी से डेवलप होती है. मतलब अगर आप सबको साफ पानी दे दें तो ये बीमारियां तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाए यहाँ से, है ना. अब हम अगला पॉइंट देखते हैं. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का वर्ल्ड में, और एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज में. ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत मेडिसिन हम बनाते हैं. अभी आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा कि हमने कितनी कितनी मेडिसिन कितने नेशंस को दी थी, डोनेट करी थी, ठीक है, एक्सपोर्ट करी थी.
अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। ठीक है, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया मतलब देश के अंदर साल भर में जितने बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट आधे बच्चों को सफिशियंट खाना नहीं मिलता है और दे आर अंडर नरिश्ड। तो इन चार पॉइंट से एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पोर्ट्रे की गई हमारे देश के बारे में कि एक तरफ तो हम इतना ग्रो कर रहे हैं ना, 30,000 डॉक्टर हर साल बन रहे हैं, 23,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दवाइयाँ बना के बहुत बाहर भेज रहे हैं, दूसरी तरफ गाँवों में एक ठीक ठाक डॉक्टर तक दिखाने के लिए हमको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, है ना। टीवी और मलेरिया के मतलब काउंट्स में, पेशेंट्स की काउंटिंग में कोई कमी नहीं देखी गई पिछले कई सालों से। ठीक है, हम साफ पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड हो जा रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक ही देश के दो पहलू हैं। तो अब हम इन्हीं ब्रॉडर पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आप देखिए, अगर हमको किसी भी बीमारी का इलाज करना है या ठीक ठाक हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है हमको, तो हमारा बहुत सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे हमारे पास हेल्थ सेंटर होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज होने चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, ठीक है, ताकि हम जो भी ज़रूरतमंद सर्विस, जो भी ज़रूरत की सर्विस है वो हम पेशेंट तक पहुँचा सकें। ठीक है, इन फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए हमको बहुत सारे हेल्थ वर्कर चाहिए, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए या दूसरे प्रोफेशनल्स चाहिए जो उस चीज़ में हमको एडवाइस कर सकें, उसको डायग्नोस कर सकें, उस बीमारी को ट्रीट कर सकें। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए हमको इक्विपमेंट्स भी चाहिए जो उनको ट्रीट करने में हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बताया कि भाई एक ठीक ठाक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के लिए कंट्री में क्या क्या चाहिए, है ना। अब आगे चलते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और एक हमारे देश को ठीक ठाक एक्सपीरियंस और नॉलेज है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, जैसे नाम से ही पता है कि फॉर पब्लिक, है ना, जनता के लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम हमने बना रखा है। ठीक है, तो हमारे देश का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ठीक ठाक रेपुटेटेड सिस्टम है, है ना। अब देखिए हमारे देश में कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, मतलब आप किसी जंगल के अंदर भी चले जाओगे तो वहाँ भी आपको ट्राइबल पॉपुलेशन मिल जाएगी रहते हुए, है ना। और जितनी भी साइंस ने एडवांसमेंट करी है उसके कारण हम हमारे देश में बहुत सारी बहुत एडवांस चीज़ें हमको हमारे पास आ चुकी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, है ना। ये हमको सब किस फर्स्ट कॉलम में जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उसकी तरफ इशारा कर रहा है, बट जो सेकंड कॉलम है उसमें हमको पता चल रहा है कि हमारे कितना पुअर हेल्थ सिचुएशन है हमारे देश की, है ना। अब जैसे आप ये पिक्चर यहाँ पे देखिए, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पिक्चर है, तो यहाँ कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। ठीक है, लोग अपने इंतजार कर रहे हैं कि कब नंबर आएगा, बीमार लोग खड़े हुए हैं वेट कर रहे हैं ना। तो ये बहुत ही कंट्रास्ट पिक्चर हमको अपने देश की समझ आती है। ठीक है, ये एक तरीके का पैराडॉक्स है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री में मनी है, नॉलेज है, लोग हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, है ना, मतलब इसके बाद भी हम हेल्थ केयर सिस्टम को इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से एक देश में होना चाहिए। तो क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इस चैप्टर में आगे उनको पढ़ते हैं। बीच में एक छोटी सी स्टोरी दी गई हुई है हकीम शेख की। हकीम शेख क्या था, वेस्ट बंगाल में एक मजदूर समिति का मेंबर था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, बस से आ रहा था, 1992 की बात है, ठीक है, ईयर 1992 की बात है, ट्रेन से आ रहा था, सॉरी, तो ट्रेन से वो गिर गया और उसको हेड इंजरी हो गई। उसको बहुत सीरियस कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अब वो हॉस्पिटल लेके, उसको कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था, बट वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया लेने से। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बेड्स नहीं थे एक भी। इसके बाद वो दूसरे हॉस्पिटल में उसको लेके जाया गया, तो वहाँ भी किसी न किसी रीज़न से नहीं एडमिट किया गया। ऐसे करते करते 14 घंटे उस क्रिटिकल कंडीशन में उसको बाहर ही लेके घूमते रह गए। फाइनली उसको एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ा। ठीक है, वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिला, उसका खूब सारा पैसा लगा। तो इस चीज़ से बहुत गुस्सा और अपसेट होके जो मतलब वो थे कौन, PBKMS वाले लोग थे, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो इन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया।
ठीक है, तो ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एक यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी आगे बताएंगे कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इस जो फाइल किया था केसेस के बारे में। अब एक छोटी सी कहानी दी गई हुई है, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। अमन और रंजन अच्छे दोस्त थे। तो क्या हुआ कि अमन काफ़ी दिन बाद मिला, उसने पूछा क्या हुआ, कहाँ चले गए थे। बोला मुझे वायरल फीवर हो गया था। तो उसने बताया मुझे भी वायरल हो गया था, मैं भी मंडे को ही स्कूल वापस आया। तो अब फिर ये दोनों अपनी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। उसको किंग्सवे में एक हॉस्पिटल था, उसको वहाँ ले गए थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि बिल्डिंग काफ़ी पॉश थी, वहाँ 5 स्टार होटल जैसा लगा। और वहाँ गए तो रिसेप्शन पे पहले 500 रुपये जमा कर लिए। सारा स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा था। लॉबी जो एरिया था वहाँ पे बहुत अच्छा एम्बियंस था। जो मतलब हेल्पर जो उसका ब्लड सैंपल ले रहे थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसको मेडिसिन दी और वो सही हो गया। फिर अपना एक्सपीरियंस बताता है दूसरा वाला लड़का कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए पापा। पहले तो पापा ले जाने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बोला उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर हॉस्पिटल पे गए, काफ़ी लंबी लाइन थी, उनको टाइम लगा, है ना। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट के लिए, तो ब्लड सैंपल की भी लाइन लगी हुई थी, वहाँ उनको टाइम लगा। 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट्स आई, 3 दिन बाद वो डॉक्टर के पास गए तो वहाँ दूसरा डॉक्टर था। फिर उसने पूरी रिपोर्ट्स देखी, बोला वायरल फीवर है, और उन्होंने उसको बस एक दवाई दी और उसको सही हो गया। तो इस पूरे में डिफरेंस क्या था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल गया उसको काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगा, है ना, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया उसने बोला कि मुझे तो बहुत कम पैसे लगे। तो यहाँ से एक हम समझते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज कैसी होती हैं। ठीक है, तो दो टाइप की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, एक है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और एक है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या होती हैं, जो सारी पब्लिक के लिए है ना, हर किसी के लिए जो ओपन है, जिनको हम हिंदी में सरकारी अस्पताल या सरकारी सुविधाएं बोलते हैं। ठीक है, वो पूरी गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, आपस में लिंक्ड होती हैं। मतलब जैसे एकदम गांव के लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, है ना, उसमें एक नर्स होता है या होती है, और एक उनके गांव से ही, मतलब एक गांव से ही सुपर वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एक मतलब विलेज का ही हेल्थ वर्कर होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। उनको पूरी सुपरविज़न डॉक्टर से मिलती है, एक डॉक्टर के सुपरविज़न में वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलता है। ठीक है, अब ये गांव में एक हो सकता है या एक गांव दो तीन गांव के लिए एक हेल्थ सेंटर हो सकता है। फिर कुछ दूर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हॉस्पिटल होता है ना, तो डिस्ट्रिक्ट वाला जो हॉस्पिटल है वो सारे हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। बड़ी सिटीज़ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे जिस हॉस्पिटल में अमन गया था, है ना, बट या ये वैसे ही हॉस्पिटल है जिसमें जिसके लिए हकीम से एक पहले गया हुआ था। ठीक है, तो जो भी हेल्थ सर्विसेज जिनको हम पब्लिक बोलते हैं, उनको पब्लिक कई रीजन से बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे सिटीजन्स को वहाँ से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, इनको गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया होता है। ठीक है, और इनकी पूरी फंडिंग, जो भी पूरा पैसा आता है इनको, जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, ये सब गवर्नमेंट ही देती है ना। अब बात आती है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो वो टैक्स कलेक्शन से आता है। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है कि मतलब आप समझिए कि ये ऑलमोस्ट फ्री या लो कॉस्ट उस पर होती हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, काफ़ी सस्ते पे सब काम होते हैं। ठीक है, और काफ़ी मतलब इसके अलावा क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, तो पहले तो ये बहुत ही सस्ते में सारे इलाज कर देती हैं, है ना। इसके बाद ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैसे, कि जिसमें मान लीजिए कोई एक बीमारी आने वाली है या है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरी अवेयरनेस होती है, फैलाते हैं ये लोग, है ना, गांव-गांव जाके लोगों को बताते हैं। आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि कभी किसी सीज़न में, बारिश के सीज़न में पानी भरा, उसको हटाने के लिए कितने अवेयरनेस कैंपेन चलते हैं कि पानी जमा नहीं होने दीजिए, उससे मच्छर होते हैं। इसके अलावा टीवी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा, डायरिया, चिकनगुनिया, है ना, इन सब के बारे में गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है। ठीक है, अब एक चीज़ अब भी आपको याद आया, हकीम शेख का जो एग्ज़ाम्पल था, है ना, तो उस केस में क्या हुआ कि
कोर्ट ने बोला, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। तो कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सारी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज सबको देने की, ठीक है, और गवर्नमेंट हर किसी के राइट टू लाइफ को सेफगार्ड करती है, जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो उसको भी इंश्योर गवर्नमेंट का ही काम है करने की, है ना। तो फिर हकीम शेख के मामले में कोर्ट ने बोला कि चूंकि जब हॉस्पिटल्स ने उसको नहीं लिया तो वो उसकी राइट टू लाइफ का हनन था, तो इसलिए उसका जो भी खर्चा आया है ना, उसको लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं मिली क्योंकि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं लिया गया, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि उसको सारी बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए, है ना, और मेडिकल जो स्टाफ है उनको अपनी पूरी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए उनको बेसिक सर्विसेज देने में, ठीक है। तो हकीम शेख को ट्रीटमेंट डिनाई किया गया, इसलिए कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट उसको पूरा पैसा कंपनसेट करे जितना उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चे में आया। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा शॉर्ट इकोनॉमी का पार्ट है बेसिकली, कि जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को हम क्यों देते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिंगल पर्सन के बस में नहीं है या सिंगल इंस्टीट्यूशन उसको नहीं बना सकती, जैसे रोड हो गए, है ना, देश का डिफेंस में जो भी खर्चा होता है, पुलिसिंग सिस्टम में, जुडिशल सिस्टम में, है ना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टैक्स के पैसों से करती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल वेलफेयर वाले काम हो गए, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, है ना, इन सारे कामों में भी टैक्स का पैसा यूज़ होता है। इसके अलावा जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, है ना, कभी अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई या कोई और दिक्कत आई, उस केस में जो भी हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी टैक्स के पैसों से ही होती है। इसके अलावा जो भी स्पेस प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करते हैं, है ना, न्यूक्लियर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी पैसा लग रहा है वो भी टैक्स का पैसा लगता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके हैं जो बहुत ही पुअर हैं, तो उनको फ्री में जो भी चीज़ें मिलती हैं या बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स में मिलती हैं वो सब भी टैक्स के पैसे से ही होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने देखा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की, ठीक है। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बहुत वाइड रेंज है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, है ना, रूरल एरियाज़ में भी डॉक्टर्स होते हैं जो अपना एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिनको बोलते हैं, ये भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे रहते हैं। अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज सर्विस देते हैं। इसके अलावा प्राइवेट लेबोरेटरीज भी होती हैं, है ना, जिसमें सारे तरीके के टेस्ट जो भी MRI, CT स्कैन, एक्सरे, ये सारी चीज़ें प्राइवेट पैथोलॉजिस्ट, प्राइवेट टेस्ट सेंटर्स, ये सारे करते हैं ठीक ठाक, मतलब अच्छा खासा पैसा लेके, ठीक है। अब जैसे कि नाम पता है जो भी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, है ना, तो ये लोग करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल इसको ओन करता है तो अच्छा खासा पैसा उसके एवज में वो चार्ज करते हैं, है ना, बट वो उसी लेवल पे सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब अभी आप देखो तो हर जगह हमको प्राइवेट फैसिलिटीज़ दिख जाएंगी, है ना, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सिप्ला का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो ऐसे बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे इन सारे कामों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, है ना, मतलब हेल्थ केयर के सिस्टम में इक्वालिटी कैसे है या कितनी इक्वालिटी है, ठीक है। तो इंडिया में हम एक ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पे आप देखो कि प्राइवेट सेक्टर दिन रात बढ़ रहा है ना, दिन रात नए नए हॉस्पिटल्स डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स नए नए क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वेरस जो भी पब्लिक सेक्टर है वो बहुत धीरे गति से ग्रोथ करता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, इतनी ज़्यादा कि कई लोग तो उनको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अगर घर पे कोई बीमार पड़ गया तो कर्जे लेने की हालत आ जाती है अगर हम प्राइवेट सेक्टर में उनका इलाज करवा रहे हैं, ठीक है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स है, उसमें लिखा है कि एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विथ जेनरिक नेम एंड ही शी शैल इंश्योर दैट देयर इज अ रैशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स। तो फ्रेंड जेनरिक नेम के नाम से ही दवाई प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, किसको, डॉक्टर्स को। जेनरिक क्या होता है, वो दवाइयाँ जो मतलब किसी ब्रांड की बनी नहीं होती हैं, है ना, जिसमें वही कंपोनेंट होते हैं जो उस मेडिसिन को बनने में
कंस्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो जेनरिक और दूसरी दवाइयों में क्या डिफरेंस होता है कि उनके प्राइसिंग में बहुत डिफरेंस हो जाता है। किसी एक कंपनी ने अपना पेटेंट लिया, अपने ब्रांड नेम से वो दवाई उसको बना रही है, तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं जेनरिक कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो सीधे, जैसे पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल एक तरीके का क्या हो गया, एक कंपोनेंट है दवाई का, है ना। अब पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल नाम से ही बिकती है ना। इसके बाद और आप दूसरी सिप्ला के अंदर अलग पैरासीटामॉल बनेगी, और महंगी ब्रांड की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें पैरासीटामॉल अलग नाम से बनेगी, और उसी हिसाब से उनके रेट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी ये स्थिति है कि जो भी, मतलब आप अगर थोड़े भी मतलब अफोर्ड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ऐसे लोग ऐसे हैं कि 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। मतलब 40% लोग इंडिया में ऐसे हैं कि अगर वो किसी ठीक ठाक बीमारी के लिए एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, तो उनको या तो किसी से पैसे लेने पड़ते हैं या कोई चीज़ उनको बेचनी पड़ती है। ये दो यहाँ पे आप पिक्चर्स देखिए, एक मलेरिया उन्मूलन चल चिकित्सा दल करके एक जीप है जो रूरल एरियाज में घूमती है, और मतलब मोबाइल क्लिनिक है पेशेंट्स के लिए, जो जीप घूम रही है, किसी को कोई ज़रूरत पड़ी तो वहीं उन्होंने दवाई दे दी, अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। एक दूसरी पिक्चर में दिख रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को काफ़ी ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास तक दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, व्हाट कैन बी डन, ठीक है। तो देखिए कि लोगों के पास, जो हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास तक हेल्थ सर्विसेज उस हिसाब से नहीं पहुंच पाती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, है ना, कि सबको इक्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए, स्पेशली टू पुअर एंड डिसएडवांटेज, क्योंकि उनके पास तो देखिए दोहरी मार पड़ती है। दोहरी मार कैसे, कि जो पुअर है या डिसएडवांटेज सेक्शन है, तो पहले तो उनके बच्चे पैदा हुए वो ऑलरेडी माल नरिश्ड हैं, है ना, मतलब स्टार्टिंग से उनको ठीक ठाक न्यूट्रिशन नहीं मिला। उसके कारण क्या हुआ कि उनके इम्यून सिस्टम, उनका बॉडी जो बिल्डअप है वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। इसके बाद अगर उनको गलती से थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, तो वो उस बीमारी का समय पे ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उससे फर्दर उनकी बॉडी और ज़्यादा डिक्लाइन कर गई। फिर क्या हुआ, अब कभी ज़्यादा कुछ मेजर कोई इलनेस आ गई तो उनके पास पैसे नहीं उस चीज़ को अफोर्ड करने के लिए, तो उससे क्या हुआ, वो और ज़्यादा, मतलब एक ये ऐसा विशियस साइकिल है, है ना। तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत है हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल कर पाना, तो ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों को कैसे सही करती है, है ना। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना। ये यहाँ पे इसका बहुत अच्छा सा एक पिक्चर लोगो है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट, मतलब देश में या बाहर कुछ ऐसे मॉडल्स के बारे में देखते हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला। तो सबसे पहले केरला एक्सपीरियंस। तो 1996 में केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बड़ा चेंज किया अपने स्टेट में। उन्होंने क्या किया कि जो भी उनका एंटायर स्टेट का बजट था उसका 40% एलोकेट किया उन्होंने पंचायत्स को, ठीक है। अब पंचायत को 40% पैसा दे दिया, तो पंचायत की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने उससे फुलफिल करी। उससे क्या हुआ कि हर गांव में प्रॉपर प्लानिंग हो गई, पानी की, फूड की, वुमेन्स डेवलपमेंट की, एजुकेशन की, है ना। इससे क्या हुआ, आंगनवाड़ीज को बहुत एम्पावर किया गया, है ना। हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे विलेज लेवल पे ही सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए गए। इससे क्या हुआ कि भाई, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स किस जगह हैं, मोस्टली रूरल एरियाज में ही, है ना। तो रूरल एरियाज को ही अगर आप एम्पावर कर दोगे तो वो ऑलरेडी ओवरऑल स्टेट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और हमको ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं कि केरला में क्या लिटरेसी रेट है या कैसा वहाँ का ओवरऑल लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर था जो केरला गवर्नमेंट ने उठाया। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द कोस्टा रिका अप्रोच। कोस्टा रिका जो है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज है सेंट्रल अमेरिका की, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है कि इन्होंने क्या किया कि कोस्टा रिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि वो उस देश ने अपने पास आर्मी ही नहीं रखी, ठीक है। आपको फ्रेंड्स पता है कि डिफेंस में, आर्मी में बजट का बहुत बड़ा एक हिस्सा जाता है ना। जैसे हमको आर्मी में कितना
ज़्यादा हमको पैसा अपना बजट का बजट एलोकेट करना पड़ता है उनका, हमको मतलब बहुत मेजर अमाउंट बजट का आर्मी में जाता है। तो इस देश के पास आर्मी नहीं है, मतलब आर्मी वाला जो भी बजट निकला उसको उन्होंने पीपल की वेलफेयर में लगा दिया है ना, उनके हेल्थ में लगाया, एजुकेशन में लगाया और उनकी बाकी बेसिक नीड्स को पूरी करने में वो पूरा पैसा लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि उस कंट्री की बहुत अच्छी स्थिति हो गई। किन सेंसेस में? कि सबके पास अच्छा पानी है पीने के लिए, सैनिटेशन की सुविधा है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको, हाउसिंग है, हेल्थ है ना, तो ये सारी चीज़ें उस कंट्री के लोगों को बहुत अच्छे से मिल गई। तो ये कोस्टा रिका मॉडल था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे इस चैप्टर से। और ठीक है, तो तब तक आप बिल्कुल इसको एक बार और रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर हम एक अलग वीडियो सीरीज में इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।